हमारे साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इतनी बड़ी घटना हो जाती है भोपाल में, बच्चे के साथ रेप पीड़ित की घटना हो जाती है। देखिए, हमारा देश का हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश में आज एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो सत्ता के नशे में चूर है और मदहोश है, और उसको आम जनता की जो परेशानी है, आम जनता की जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें नहीं दिखाई दे रही है। आज भोपाल में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक घटना है, और ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सरकार है, उस प्रदेश की सरकार पर एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठाती है। आज हमारी प्रदेश की माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो। लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है मध्य प्रदेश में घटित हो रही हैं, और सरकार जो है सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आज सरकार जो है हर विषय पे, हर मुद्दे पर जो है विफल जो है साबित हो रही है। चाहे आप महिला सुरक्षा की बात कर ले, कानून व्यवस्था की आप बात कर ले, आज सरकार जो है सर से लेकर पैर तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये सारे विषयों पर सरकार जो है विफल हो चुकी है। सर, एक तरफ कुपोषण के आंकड़े आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का नाम ऊंचाइयों में गिना जाता है, एक तरफ पोषण आहार घोटाला होता है, उसको लेकर के क्या? देखिए, ये हमारे प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है कि आज हमारा प्रदेश कुपोषण के मामले में आज भी जो है देश में नंबर 1 पर है, और कुपोषित बच्चों का आहार जो खाना, ये इससे बड़ा जो है पाप इस दुनिया में नहीं हो सकता है। और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए जो कदम है, वो कदम नकारा साबित हो रहे हैं, और ये जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहीं ना कहीं उसी दिशा में इंगित करता है। ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो आप देखिए, अगर इसकी सही और व्यवस्थित जांच हो जाए, निष्पक्ष अगर इसकी जांच हो, तो एक बहुत बड़ा घोटाला जो है हमारे पूरे प्रदेश में सामने आएगा। सर, विधानसभा में बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, उसको लेकर कुछ बात होगी? निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम विषय जो हैं आज पूरे प्रदेश में ज्वलंत हैं, और इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी पूरी ताकत से जो है इन मुद्दों को उठाने का काम करेगी। विपक्ष आरोप लगाता है कि सिर्फ हो हल्ला करते हैं, जो सत्ता पक्ष है कि मंत्री आरोप लगाते हैं, विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करता है, कोई मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक आदर्श विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी इस मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, इसका जो गौरवमय इतिहास है, जहां पर बड़ी अच्छी और सार्थक बहस जो है जनता जनहित में लगातार हमेशा हमको देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी विफलताएं छुपाने के लिए बहस है, उस बहस से भागने का काम जो है सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा किस प्रकार में सदन की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को लगातार तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आप जो हमारे माननीय सदस्य लोग जो प्रश्न लगाते हैं, उन प्रश्नों की आप स्थिति देख लीजिए, लगभग हर प्रश्न में जानकारी एकत्रित की जा रही है, और महीनों सालों निकल जाते हैं, वो जानकारी माननीय विधायक तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये आज हमारे विधानसभा की परिस्थिति है, और कहीं ना कहीं एक डर, एक भय, एक मन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके मन में एक डर और भय है, अपनी कहीं ना कहीं कमियों को, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, जो अपने भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लगातार जो है माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं विधानसभा के अंदर, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन जो है सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, किसानों के बहुत सारे किसानों के ऋण माफ हुए थे जो कमलनाथ सरकार जब आई थी, अब वही किसान डिफॉल्टर घोषित हो रहे हैं, इसमें क्या सरकार, बीजेपी जो सरकार आई, उसकी गलती है? देखिए, निश्चित रूप से अगर इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल की जब भारतीय जनता पार्टी 2018 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें देश ही नहीं, देश में सबसे ज़्यादा अगर आत्महत्या करने के मामले अगर कहीं आते थे तो मध्य प्रदेश में आते थे, जहां किसान ऋण के कर्ज के दलदल में फंसे होने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता था। और यही कारण था कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने किसानों को कर्ज मुक्त देने का हमने नारा दिया था, और 27 लाख किसानों के चरणबद्ध तरीके से 11,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ़ करने का ऐतिहासिक निर्णय और फैसला हमारी सरकार के दौरान किया था। ये अपने आप को जो है किसान हितेशी बताते हैं। तो क्या कारण था कि सरकार चले जाने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद, हमारी उस महत्वपूर्ण योजना को बंद करने का काम सरकार ने करा?
तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच मेरे किसानों, मेरे अन्नदाताओं के प्रति क्या है। और आज ऋण माफी योजना बंद होने के कारण ही आज बड़ी संख्या में हमारे जो किसान साथी जो अगर डिफॉल्टर हो रहे हैं, इसके लिए अगर कोई गुनहगार है, कोई दोषी है, तो भारतीय जनता पार्टी की 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से, और भारी पूर्ण बहुमत से जो हमारी सरकार इस बार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में नाकामी ज़्यादा है और सफलताएं कम है। बीजेपी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बंद की जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सुरक्षा और महिला सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि विधानसभा सत्र जो अभी स्टार्ट हुआ है वो कब तक चलता है, सुचारू रूप से चल पाता है या इसी तरह हो हल्ले के बीच में खत्म हो जाता है। कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।